प्रथम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आरिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षायोग। अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षायोग हेतु मंगल वर्षायोग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षायोग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। साधन और साथ। साधन हो तो मंजिल पर पहुंचा जाता है। गाड़ी है तो आप पदमपुरा तक आ गए, है ना? और यदि ये गाड़ी ना होती तो क्या आप पदमपुरा आते? अरे बोलिए ना, नहीं आते। आते तो सही, अभी तो हो सकता है कि आप साल में एक बार आते हों, दो बार आते हों। जयपुर वाले हैं तो हर सप्ताह में महीने में आ जाते हों। लेकिन गाड़ी ना हो तो आएंगे तो सही, दूर वाले तो जीवन में एक बार आएंगे, और पास वाले हो सकता है साल में एक बार आएंगे, हर सप्ताह और हर महीने आने वाले नहीं हैं। तो साधन के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। हमारे पास में साधन के रूप में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। चर्चा दर्शनावर्णी कर्म पर चल रही है, उसके भेदों पर चल रही है। तो चक्षु दर्शन, आँख मिली है। अब आँख के द्वारा पाप होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, आँखों के द्वारा पाप होता है कि नहीं होता है? होता है। आँख ना होती तो नहीं होता, आँख ना होती तो नहीं होता। इसी तरह से अन्य इंद्रियों के विषय में लगाएं कि कान है, कान के द्वारा निंदा, बुराई, चुगली, राग, द्वेष, मोह खूब सुनते हैं और खूब करते हैं, इसलिए कानों से भी पाप होता है। नाक से पाप होता है कि नहीं होता है? डीओ लगा लगा के खूब राग द्वेष करते हैं। राग और द्वेष अच्छा लगा तो राग है, नहीं लगा तो द्वेष है, इसलिए उसमें भी पाप करते हैं, है ना? रसना इंद्रिय के माध्यम से पाप होता है कि नहीं होता है? यदि रसना इंद्रिय नहीं होती तो ना आप इतना बोल पाते और ना इतना भोजन व्यवस्था में इतना राग द्वेष करना पड़ता, इसलिए रसना के कारण से भी बहुत सारा पाप होता है। शास्त्र में बताया है कि एक इंद्रिय जीव जिसके पास में केवल शरीर है, उसके मिथ्यात्व कर्म का बंध एक सागर का होता है, ठीक है? दो इंद्री स्पर्शन रसना, जीव आ गई उसके पास में तो रसना के आते ही मिथ्यात्व का बंध 25 सागर का हो जाता है। कितना? 25 सागर का। तीन इंद्री स्पर्शन रसना घ्राण, नाक आ गई, उसका राग द्वेष और बढ़ गया, उसका कर्म बंध का तरीका और बढ़ गया, अब वो मिथ्यात्व का बंध 50 सागर का हो गया। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आँख आ गई, अब और ज्यादा पाप बढ़ गया, अब मिथ्यात्व जो है 100 सागर का होने लगा। कितना? अधिक से अधिक बंध है चक्षु इंद्री वाला 100 सागर तक कर सकता है। फिर उसके बाद कान और आ गए, कान आने के बाद में ये बंध जो है 1,000 सागर का हो गया। कितना हो गया? 1,000 सागर का। और जब मन मिल गया तो ये मन का आप क्वालिटी देखिए, मन की विशेषता देखिए कि मन मिलने के बाद मिथ्यात्व का बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, हो सकता है। कितना? 1, 25, 50, 100, 1,000 और 70 कोड़ा कोड़ी सागर। उसमें तो केवल सागर था, एक सागर, 50, 25 सागर, 50 सागर, 100 सागर, 1,000 सागर। लेकिन जब मन आ गया
तो उसमें 70 कोड़ा कोड़ी और लग गया। कितना लग गया? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद मिथ्यात्व का मन सहित जीव कर सकता है। यानी जितना जितना इंद्रियां मिलती रही उतना उतना पाप भी, अरे बोलिए ना, बढ़ता रहा। तो इससे अच्छा तो एक इंद्रिय है। बोलिए आपकी क्या सोच है, आपका क्या विचार है? इससे अच्छा तो आंख मिलती ना, इससे अच्छा तो कान मिलते ना, तो कम से कम पाप भी नहीं होता। इससे अच्छा तो नाक मिलती ना, इसलिए पाप भी नहीं होता। जीव ना मिलती तो पाप भी नहीं होता। ये सही है या गलत है? जो चीज पाप का कारण बन सकती है वो चीज पुण्य का कारण भी बन सकती है। जो चीज बंध का कारण बन सकती है वो चीज मुक्ति का कारण भी बन सकती है। साधन तो साधन है। गाड़ी को आप चाहे पदमपुरा ले जाओ, चाहे कुल्लू मनाली ले जाओ, गाड़ी तो गाड़ी है। गाड़ी का काम केवल चलने का है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सोचो गाड़ी नहीं होती तो हम पाप ना करते, हम कुल्लू मनाली नहीं जाते। नहीं, गाड़ी यदि कुल्लू मनाली जा सकती है तो गाड़ी पदमपुरा भी जा सकती है, गाड़ी समय शिखर भी जा सकती है। गाड़ी का होना बुरा नहीं है, गाड़ी कहां ले जाई जा रही है उस बात पर निर्भर करता है। इसी तरह इंसान को 5 इंद्रियां मिली हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ठीक है? 5 इंद्रियां मिली हैं। अब इनको चाहे तो पाप में लगा दो और इनको चाहो तो धर्म में लगा दो। धर्म में लगाओगे ये आत्मा का हित करेंगी, पाप में लगाओगे ये आत्मा का अहित करेंगे। थोड़ी सी बात समझ में आई? अरे बोलिए ना, आई ना? ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है। तो अब इंद्रियां हैं, अब इंद्रियों को चलाने वाला मन है, इंद्रियों को चलाने वाला मन है और इस मन को चलाने वाली आत्मा है। अब मैन हेड ऑफिस क्या है? हेड ऑफिस क्या है? आत्मा है। तुम कौन हो? तुम इंद्रियां हो, मन हो या आत्मा हो? तुम कौन हो? अरे बोलिए ना। यदि आंख पाप करेगी तो पाप का बंध किसको होगा, आंख को या आत्मा को? आत्मा को। यदि कान पाप करेंगे तो बंध किसको होगा, आत्मा को या कान को? आत्मा को। देख लो, एक बार और सोच लो। आंख पाप करेगी तो पाप किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए पाप? आत्मा। क्योंकि करने वाली कौन है? आत्मा है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाए, अब उसके पास आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, लेकिन क्या वो कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो मशीन है। मशीन जो है आत्मा के अभाव में निर्जीव है। जैसे लाइट है, करंट है, यदि करंट है तो लाइट जल रही है, करंट है तो एसी चल रहा है, करंट है तो कूलर चल रहा है, करंट है तो सारी चीज हो रही है, और करंट चला गया तो अब तुम्हारे एसी कूलर डब्बा है, और एसी कूलर तो छोड़ो, तुम्हारा मोबाइल भी डब्बा है। अभी 2-4 दिन लाइट ना आए, चार्ज होना बंद हो जाएगा, और चार्ज होना बंद हुआ तो खत्म काम। तो जैसे लाइट चली जाए तो सारी चीजें डब्बा हैं, ऐसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो सारी चीजें डब्बा है। आत्मा करंट है, इसके अंदर ऊर्जा है, इसके अंदर शक्ति है, लेकिन लाइट अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। वो पुद्गल है, हम जीव हैं। उसको ये नहीं पता कि हवा ठंडी है या गर्म है, उसको ये नहीं पता है कि ये जो फ्रीज है इसमें जो सामान रखा है यदि उसमें अनुभवन शक्ति आ जाए तो उसमें तुम्हारे फ्रीज में जो सामान रखा ना, मिठाई रखी है और तुम्हारी सब्जियां रखी हैं और फल रखे हैं, उसकी खुशबू उसको आना शुरू हो जाए, यदि वो जीव हो तो। लेकिन वो अजीव है और हम जीव हैं। तो इंद्रियों का मिलना पुण्य का उदय है। आपने बहुत पुण्य किया था, बहुत पुण्य किया था, तब कहीं जाके आपको ये 5 इंद्रियां मिली हैं,
चक्षु अचक्षु दर्शन के रूप में दर्शनावलनी में इसके दो भेद कर दिए हैं कि जो चक्षु से देखा जाता है, आँखों से देखा जाता है, वो चक्षु दर्शन, और जो आँखों के अलावा अन्य चार इंद्री से देखा जाता है उसको कहते अचक्षु दर्शन। क्या कहते हैं उसे? अचक्षु दर्शन। अब अचक्षु दर्शन आँखों से देखते हैं, अब आँखों से क्या देखना है, कितना देखना है, इस बात का ज्ञान आत्मा को होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो ये कुछ भी देखेगी और जहाँ देखेगी वहीं पाप का कचरा इकट्ठा करके ले आएगी। इसलिए आँखों पर पलकों का पर्दा जरूरी है। अब आत्मा नहीं मानती है, बंदी नहीं करती आँख, आँखों पे मर्यादा नहीं रखती है, तो पुराने समय में आपने देखा होगा कि घूंघट चलता था। क्या चलता था? घूंघट चलता था, ना देखोगे ना पाप होगा, ना देखोगे ना पाप होगा, एक पर्दा डाल दिया, क्योंकि तुम्हारे मन पर तुम्हारा वश नहीं है। यदि मन पर कंट्रोल हो जाए तो आंख देखना बंद कर दे, यदि मन पर कंट्रोल हो जाए तो पलकों का पर्दा अपने आप गिरना शुरू हो जाए। लेकिन मन पर वश ना होने के कारण पहले घूंघट व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? घूंघट व्यवस्था। एक और पर्दा डाल दिया, इतना घूंघट होता था पहले, इतना, ना देखोगे ना गड़बड़ होगा, ऐसे ही है ना। फिर पर्दा थोड़ा सा घूंघट ऊपर हुआ, फिर थोड़ा और ऊपर हुआ, फिर थोड़ा और ऊपर हुआ, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर गिर गया। अब तो साड़ी चली गई, अब तो हमारी अम्मा जी, बड़ी बड़ी अम्मा जी भी सूट पहन के आती हैं। भाई किसी भी चीज़ की अति बीमारी पैदा करती है। मिर्ची भले ही कीटाणुओं को ख़त्म करती है, लेकिन यदि ज़्यादा खाओगे तो शरीर को ख़त्म करेगी। और छोटे छोटे बच्चों को जितनी मिर्ची आप खाते हैं, यदि इतनी मिर्ची आप छोटे बच्चों को खिलाएंगे तो उनका पेट की जो आते हैं वो अभी से ख़त्म हो जाएंगे, वो बड़े होकर कुछ खा ही नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों का पेट अभी मिर्ची खाने लायक नहीं है। लेकिन नहीं, जो सब्जी मैं खा रही खा ले चुपचाप, नाटक करता है। अब बच्चा कह रहा है मम्मी मिर्ची लग रही, ले थोड़ी सी चीनी खा ले इसके साथ में, खा ले खा। बोलिए ऐसा करते हो नहीं करते बच्चों के साथ में? ये आप बच्चों पर अत्याचार कर रहे हो, ये बच्चों पर अन्याय कर रहे हो, उन्हें इतनी मिर्ची खिला के उन्हें बीमार कर रहे हो। आप चाहते कि आपका बच्चा बीमार हो? नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी आपने ऐसा काम किया कि बच्चा बीमार हो गया। मैंने एक बात पहले बताई थी कि एक बार एक छोटे से बच्चे को लेकर के एक नानी और उसकी लड़की, मतलब तीन हो गई, लड़की, उसकी माँ और उसकी माँ, तीन जने आए। अब बच्चे को बड़ी सर्दी, जून का महीना और बच्चे को जुकाम, जून का महीना और बच्चे को जुकाम। तो बोले माता जी ये बहुत बीमार रहती है, लड़की थी बहुत बीमार रहती है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले इसको बहुत कफ बनता है, बहुत कफ बनता है, और बहुत सांस भी, जब कफ बनेगा तो सांस भी नहीं आएगी, और जुकाम भी बहुत रहता है इसको। अब मैं समझ गई इन्हें किसी दूसरे ने बीमार नहीं किया है, इन्हें इन दोनों ने मिलके बीमार किया है। क्या? नानी और उसकी बेटी ने मिलके, अपनी बेटी और पोती जो भी हो आपकी नातिन, उसको इन दोनों ने मिलके बीमार किया है। मैंने कहा आपके यहाँ एसी है? बोले है। तो मैंने कहा कि ये कहाँ सोती है? बोले एसी में सोती है। अच्छा, तो मैंने कहा कि, बोले फिर वो माँ बोली, बोले ये मेरी बेटी क्या करती है, एसी में सुला के एसी के बिल्कुल सामने जहाँ हवा आती है वहाँ इसको लिटाती है, और उसके बाद एसी फुल कर देती है, एसी फुल कर देती है कि इसकी नींद ना खुल जाए, ये अच्छे से सो जाए। भावना तो अच्छी है, हो सकता है उसके घर में सास नहीं होगी इसलिए उसे पता नहीं है, यदि सास होती तो वो कह देती, और यदि होगी भी तो वो बहू अपनी सास की बात मानती नहीं होगी। छोटे बच्चों को और बूढ़ों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि शरीर कमज़ोर है। जब तक शरीर में गर्मी नहीं आई है तब तक शरीर कमज़ोर है,
और जब तक शरीर कमजोर है उसे सर्दी ज्यादा लगेगी, सर्दी से बचा के रखना चाहिए। अब उसने, आपने उसे दिन भर एसी में सुलाया, उसका शरीर उसने सहन तो करेगा नहीं। अब शरीर जब अंदर जा रही है हवा और रिएक्ट करेगी, जुकाम के रूप में रिएक्ट करेगी। अब बच्चा बोल तो नहीं सकता मुझे एसी में नहीं सोना, वो तो छोटा सा है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना बोल सकता है, ना कह सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अब तुम जो मर्जी आते अपने हिसाब से उसको रखते हो। तो फिर मैंने कहा, भाई ये तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, इसको सर्दी सहन नहीं हो रही है, इसे एसी से बाहर निकालो, इसे एसी से बाहर निकालो तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर उन्होंने वैसे किया होगा। एक और घटना है, एक और तो उसकी जो उनके जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे, करीब होंगे 10 12 15 साल के बच्चे थे, दो तीन बच्चे, उनमें से एक को बेटे को बड़ा जुकाम रहता था। तो वो आई बोले, माता जी इसको तो बहुत जुकाम रहता है, इसका तो ठीक ही नहीं होता है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में एसी है? बोले है। मैंने कहा जब बच्चा स्कूल जाता है तो? बोले बस भी एसी है। मैंने कहा स्कूल? बोले स्कूल भी एसी है। और बोले मेरे बच्चे जब लौट के आते ना, गर्मी के दिन हैं, मैं तो गिलास भर भर के जूस तैयार रखती हूँ। क्या? गिलास भर भर के जूस तैयार रखती हूँ ताकि गर्मी से आए तो जूस पी लेंगे तो ठंडक आ जाएगी। मैंने कहा उन्हें गर्मी लगी कहाँ, घर के एसी से निकले तो स्कूल बस एसी में बैठ गए, बस से निकले तो स्कूल की एसी में बैठ गए, वहां से वापस आए तो यहाँ एसी में, फिर वापस आए तो फिर एसी में, गर्मी लगी कहाँ उन्हें? तुमने उन्हें गर्मी लगने कहाँ दी? तुमने उनके अंदर गर्मी आने कहाँ दी? उनको तो पहले ही ठंडा कर दिया। भगवान को देखोगे, भगवान को याद करोगे, भगवान सपने में आएंगे। तो सबसे ज्यादा क्या देखते हो? मोबाइल देखते हो, और मोबाइल में भी बड़ी गहराई से देखते हो। आप किसी से बात कर रहे हो सकता है कि आपका मन बात करने में तो है, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है ये भी पता चलता है। और आजकल के बच्चे तो इतने होशियार हैं। एक बच्चा मोबाइल चला रहा था, उसकी मम्मी उसकी बात मुझसे बता रही थी कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। चलाते चलाते ज्यादा मत बोलो, मोबाइल भी चल रहा है और बातें भी सुन रहा है। अब बुद्धि देखो उसकी। एक दिन तो एक बहन जी मेरे से बात कर रही है और पीछे क्या बात कर रही है उनका जवाब भी दे रही है। क्या क्वालिटी है, क्या बुद्धि है, क्या क्षमता है! यदि इसका उपयोग धर्म में कर लिया जाए तो बहुत आगे पहुंच जाओगे, लेकिन इसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। यहां तो बातें कर रही हो और पीछे से कान से यहां की बातें भी सुन रही हो। एक बार में दो काम बड़े आराम से, और महिलाएं तो सबसे ज्यादा होशियार है। दो काम तो छोड़ो, ये पांच काम कर लेती है। करती है कि नहीं? हाँ या ना? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? देखो रसोई में जाके क्या हाथ चलते, मशीन की तरह। एक तरफ दाल चढ़ा दी, एक तरफ सब्जी छोंक दी, एक तरफ मशीन में कपड़े डाल दिए, एक तरफ आटा सान रही हैं और दूसरी तरफ टीवी भी चल रही है। कितने काम हो गए? दाल, सब्जी, कपड़ा, आटा और टीवी। पांच काम एक साथ कर लेती हैं, लेकिन जब मंदिर में आती हैं तब भी करती हैं ये। एक बार मैं बिहार करके एक मंदिर में पहुंची, गर्मी के दिन थे, मंदिर में ठंडक थी, मैं वहीं बैठ गई, वहीं बैठी तो वहां तीन महिलाएं बैठी हुई थी। बीच वाली पढ़ रही थी, एक तरफ वाली माला, बीच वाली माला फेर रही थी, एक तरफ वाली शास्त्र पढ़ रही थी, एक तरफ वाली भक्तांबर पढ़ रही थी। जब इनका सब कुछ हो गया, वो वंदामी करने मेरे पास आई, तो मैंने कहा आप तीन जने क्या कर रही थी? मतलब एक तरफ भक्तांबर, एक तरफ शास्त्र। बोले माता जी, बीच वाली बोली, देखो माता जी हमारे पास टाइम तो कम रहता है, ज़्यादा टाइम तो हमारे पास रहता नहीं है मंदिर के लिए, तो हमने एक बीच में बैठ के माला फेर ली, इसने भक्तांबर सुना दिया और इसने शास्त्र सुना दिया। अब खिचड़ी बन गई होगी, दाल चावल मिला दोगे तो क्या बन जाती है? खिचड़ी बन जाती है। अब पता नहीं उसने शास्त्र सुना कि माला फेरी कि भक्तांबर पढ़ा कि मन उसका घर में घूम रहा था।
ये भी हो सकता, इतना सब होने के बाद मन वहां हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। बंधुओं, चक्षु दर्शन दर्शनावर्णी कर्म के छह उपशम से आंखें मिल गईं, लेकिन आंखों का हिसाब लगाना बैठकर हम इन आंखों का उपयोग कहाँ कितना करते हैं। यदि सही कर रहे हो इसका उपयोग, मतलब गाड़ी सही रास्ते पर जा रही है, और यदि इसका उपयोग सही नहीं करते हो इसका मतलब कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, और इसका दुरुपयोग करोगे जैसा मैंने पहले बताया, आंख यदि पाप चीज देखेगी तो पाप किसको लगेगा? आत्मा को लगेगा। कुछ लोग कहते हैं अरे देख ही तो रहे हैं, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, देख ही तो रहे हैं। एक बार की बात, एक राजा था, उसे आम से एलर्जी थी और इतनी भयंकर थी कि यदि वो आम खाए तो मर जाए, इतनी एलर्जी थी। एक दिन बगीचे में घूमने गए और वहां पर एक आम का पेड़ था, गर्मी के दिन थे, पके पके आम लटक रहे थे। अब राजा जो है वहां पहुंच गया, आम देखने लगा। मंत्री ने कहा महाराज यहां से चलिए, देख ही तो रहा हूं, खा थोड़ी रहा हूं। अब उसके बाद उसने वो आम को छूने लगा, फिर मंत्री ने कहा, बोले छू ही तो रहा हूं, खा थोड़ी रहा हूं। अब उसके बाद वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले महाराज यहां से चलिए, अरे बैठे ही तो हूं, कुछ कर थोड़ी रहा, पेड़ के नीचे ही तो बैठा हूं, खा थोड़ी रहा हूं। बैठ गया, एक आम गिरा, मंत्री लेट गया था, उसकी नींद लग गई, और उसने देखा मंत्री देख नहीं रहा है, राजा ने आम खा लिया और मर गया। शुरुआत कहां से हुई? पाप की शुरुआत कहां से हुई? बोलिए, पाप की शुरुआत कहां से हुई? आंखों से। आंखों में मर्यादा होती तो पाप भी आगे नहीं बढ़ता, ना देखते ना पाप होता। इसलिए ऐसी चीजें देखो मत जिससे झगड़ा हो, लड़ाई हो, मन खराब हो, मन में विकार भाव आए, मन में से पाप के भाव आए, इसलिए ऐसी चीज को देखना ही, अरे बोलिए ना, नहीं चाहिए। लेकिन अब तो सबका हाथ जगन्नाथ है, सबके अपना अपना मोबाइल है, और मोबाइल भी देखने वाला, अकेले सुनने वाला नहीं है। जब सुनने वाला था तब पाप कम था, जब से देखने वाला आया तब से पाप भी बढ़ गया है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई, तो फिर मैं बंद करूं? अब समझ में आ गई तो बंद करूं और बोलूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, कल बोलूंगी ना। और कल आप यहाँ नहीं रहोगे तो टीवी पर सुन लेना, कल शाम 5 बजे 5:40 पर पारस चैनल में। सुनते हो नहीं सुनते हो? कौन कौन सुनता है? बहुत बढ़िया, जो नहीं सुनता है सुनने लगना, और जो सुनता है वो अड़ोस पड़ोस में बता देना, अरे सुन लो हमारे काम की बात आ रही है, आँखों की बात आ रही है। आँखें सही तो सब सही, और आँखें सही नहीं तो कुछ सही नहीं, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है, और घूंघट कर सको तो घूंघट भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कई बार जिससे बात ना करनी हो, देखना हो ना हो ना, तो महिला और घूंघट निकाल लेती थी, ना देखेगा ना बोलेगा ना लड़ाई होगी, बात ही नहीं करनी पड़ेगी। और नजर मिली बस फिर उसके बाद तो बोलना ही पड़ेगा, मुस्कुराना ही पड़ेगा। ना नजर मिलेगी, ना बोलना पड़ेगा, ना मुस्कुराना पड़ेगा। तो चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना, बड़ा ही महत्व है। पेड़ में साग का, ड्राई फ्रूट्स में दाग का, और मर्यादा करने में आंख का बड़ा ही महत्व है। पानी भरने के लिए घट का, पहनने में पट का, और महिलाओं के लिए घूंघट का बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का, और जीवन में मर्यादा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और जहाजपुर आने में जयपुर, जबलपुर, डीमापुर का बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। लिखने में पार्टी का,
ट्रेन में टीटी का और आने वालों में गुवाहाटी का, पहनने में कड़े का, भोजन में बड़े का और आने वालों में पुणे का, बड़ा ही महत्व है, करने में आशा का, नहीं करने में निराशा का और आने वालों में दोसा का, बड़ा ही महत्व है, पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का और आने वालों में जिया गंज का, बड़ा ही महत्व है, शरीर में सर का, पक्षी में पर का, आने वालों में अलवर का, बड़ा ही महत्व है, त्रियंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व है, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का, बड़ा ही महत्व है, लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में रोहतक का, बड़ा ही महत्व है, आने वाली बच्चियों के लिए जो कि माता पिता की बात नहीं मानती हैं, लेकिन यहाँ बुलाकर वो जरूर मानेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। तारीख 24 को रविवार को सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक एक स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, तो उसमें मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, मैं भी समझाऊंगी और भी लोग आएंगे, तो ऐसे विषयों पर चर्चा की जाएगी कि आपकी लड़कियां यदि बाहर पढ़ने भी जाती हैं तो वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकें, इस बात की जानकारी और भी जीवन में जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इस बात की जानकारी उन लड़कियों को दी जाएगी 14 वर्ष से लेकर, और लड़कियां जितने वर्ष तक की हैं उनके लिए ये शिविर है, सभी लड़कियां इसमें आमंत्रित हैं। यदि आप अपने बच्चियों का भला चाहती हैं तो उन्हें लेकर के जरूर आएँ। बोलिए 24 भगवान की। और आज उसी का एक नतीजा है, परिणाम है कि मेरे मित्र और हम सब धर्म मार्ग पर जुड़ गए हैं। कुछ माता जी जब कोटा पधारे तब हमें सब इतनी सी बात कही गई थी माननीय अध्यक्ष साहब द्वारा कि माता जी आ रही हैं, तुम सबको चलना है, और बड़ी माता जी छात्रा पाटन में कुछ माता जी साथ में रुक कर आई हैं, लोगों ने आगे रास्ता जाम कर दिया था कि माता जी को झादरा पाटन से आगे नहीं जाने देंगे, तो हमें भी लगा चलो अच्छा है, बड़ी माता जी को महाकाल मिलेगा, चलते हैं माता जी के पास में। फिर माता जी का जब हमें समाधि मिला, सानिध्य मिला, तो हम सबकी काया पलट गई, तो बस कुछ पत्तियों के माध्यम से चरणों का वंदन करूँगा। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, सब कुछ के हवाले तुम्हारे बिनाम संभाले, सब कुछ के हवाले तुम्हारे बिनाम संभाले, हमें गर्म मिलता सहारा तुम्हारा, हमें गर्म मिलता सहारा तुम्हारा, भला कैसे तो हमें हमारे साथ एक समस्या हो गई थी, बहुत जटिल समस्या हो गई थी, और उस समस्या से बाहर निकलने में हमें 2 हफ्ते का समय लग गया। वो समस्या ऐसी हुई थी कि हम सबका उन 9 महीने के लिए शेड्यूल फिक्स हो गया था कि सुबह सुबह 7 बजे उठकर के माता जी के पास जाना है, अभिषेक करना है, और अगर पूजा की इतनी इच्छा होती नहीं थी पर माता जी यदि पूजा करो तो पूजा भी करनी, फिर पूजा करनी है, फिर अपने अपने काम पर निकलना है, फिर दिन में एक बार कहीं ना कहीं से काम से 2 बजे वापस आना है, 2 बजे माता जी के पास फिर से आना है, खाना खा के 3 बजे वापस आना है, उसके बाद 6 बजे वापस आना है, सारा काम बंद करके खाना खाना है। माता जी कहती थी कि मैं अतिक्रमण कर लेती हूँ तो प्रतिक्रमण कर लेती हूँ तो अतिक्रमण करके आ जाना, अतिक्रमण कराते हैं तुम खा खुआ कर आ जाओ, मैं तब तक प्रतिक्रमण कर लेती हूँ। उसके बाद में 7 बजे आनंद यात्रा होती थी, 7 बजे के बाद में आनंद यात्रा के बाद में माता जी अपने कक्ष में चल जाते थे, क्योंकि माता जी 8 बजे बाद भाग लेते थे किसी से मिलते। परसों की बात जब यहाँ चतुर्मास स्थापना हुई, 10,000 आदमी था, और 10,000 में से मान करके चलें 2,000 आदमी मंच पर चढ़ा ही चढ़ा था, कितना भी समझा लें, कितना भी मना लें, कितना भी रोक लें, पर उसे स्टेज पर आना है, माता जी के पास आशीर्वाद लेना है तो लेना है। और माता जी भी कमाल के 4.5 घंटे एक ही मुद्रा में बैठी रही और मुस्कुरा के सबको पीछे भी लगाती रही। तो ऐसी वात्सल्यमयी माँ जब कोटा थे तो हम लोग उस समय 9 बजे बाद ऐसा होता था वंदामी करते थे, और जब तक अंदर से
अंदर से माताजी की आवाज नहीं आती थी, हम लोग हिलते नहीं थे। अब माताजी को जब बदनामी करे तो माताजी बोलती हूं। अब जितनी महिलाएं थी, जितनी आंटी भाभियां थी, वो आवाजें निकालने लग गई हूं। अब हम सब पहचानने लग गए, आंटी आपकी आवाज है, सो एंड सो आंटी आपकी आवाज है। और उसके बाद 9 बजे जब फाइनल हम सारे चिल्लाते थे माताजी वंदामी, तो जोर से आवाज आ। अच्छा माताजी उस समय भी धीरे बोलते थे, आज भी धीरे बोलते हैं माताजी। माताजी का मौन रहता है अक्सर, क्योंकि हम सबका ऑन रहता है अक्सर। तो माताजी उस वक्त हल्का सा उठकर आते थे, अब आ गया आनंद। और 9 बजे हमारी आनंद यात्रा पूरी होती थी और हम सब घर निकल जाते थे। ये 9 महीने तक चला। और 3 दिसंबर को माताजी, 3 दिसंबर 2012 माताजी कोटा से विहार करके केशवराय पाटन चले गए। वहां भी बाबा मुनि सुव्रत नाथ थे, तो कोटा से जब विहार किया तो मुनि सुव्रत नाथ भगवान का सानिध्य मिला। और उसके बाद जहां चतुर्मास किया अगला, वहां का अतिशय तो आज पूरी दुनिया जानती है। तो 9 बजे बाद और 9 महीने बाद अब हमारे साथ जो 10 दिन बीते वो ऐसे बीते कि अब हमारे पास कुछ काम ही नहीं था। हम सब जॉबलेस थे और हम सबको ये लगता था कि 12 बज गए अब माताजी का सामायिक होगा, 2 बज गए अब गेट खुलेंगे, 6 बज गए अब आनंद यात्रा होगी। तो 2 पंक्तियां और, तेरा दर्श पाने को जन्म लिया है। उस दिन पता चला कि इनके दर्शन के लिए जन्म लिया है हम सबने। तेरा दर्श पाने को जन्म लिया है, जो कुछ है हमारा वो आपका दिया है। सेवा तुम्हारी, तालियां बजाएं आप सभी, सेवा तुम्हारी कर न सके तो, सेवा तुम्हारी कर न सके तो जीवन है बेकार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, के सब कुछ तेरे हवाले। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आरिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षायोग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षायोग हेतु मंगल वर्षायोग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षायोग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।